नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत, सेंसेक्स में 100 अंकों की गिरावट। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौसेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने की गोलीबारी, एक जवान शहीद। कानपुर में SSP ने कहा कि विकास दुबे की एनकाउंटर में 4 पुलिस कर्मियों को भी लगी गोली। नेपाल के कई इलाकों में भारी बारिश, कई घर बहे। अमेरिका में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 65,000 से ज्यादा मामले। दुनिया में लगातार बढ़ रहे कोरोना का संक्रमण, हर रोज आ रहे 2 लाख से ज्यादा केस। ओडिशा में शराब पर कोविड शुल्क में बदलाव, अब 15% तक ज्यादा होगी कीमत। बोलिविया के राष्ट्रपति जिनाइन अनेज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। उत्तराखंड सरकार का फैसला, चीनी उपकरण या डिवाइस का नहीं होगा इस्तेमाल। 4 महीने बाद मुंबई लौटी रतन, एक्ट्रेस को नम आंखों से विदा किया माने। कोरोना काल में बेहाल हुई नेपाली इंडस्ट्री, पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं कलाकार। पूजा भट्ट के वीडियो पर कंगना का आया जवाब, बोली ब्रेक देने के लिए शुक्रिया। शूटिंग के दौरान बोली अदिति, एक्ट्रेस को है खतरा, शूट के दौरान नहीं पहन सकते हैं मास्क। BCCI ने CEO राहुल जौहरी का इस्तीफा किया मंजूर। COVID-19 के कारण एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जून 2021 तक टला। यस बैंक केस, राणा कपूर और वधावन बंधु की 2400 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क। इंडिया ग्लोबल वीक में पीएम मोदी बोले कि दुनिया की समृद्धि के लिए भारत साथ। यस बैंक के FPO के लिए अच्छा संकेत, SBI करेगा 1760 करोड़ का निवेश। हाईकोर्ट ने कहा कि 13 जुलाई तक DU 2.5 लाख छात्रों के एग्जाम रिजल्ट का ब्यौरा दे। मुंबई लौटे प्रवासियों की कहानी, लोकल ट्रेनें नहीं चल रही है, रोज टैक्सी से जाना महंगा पड़ रहा है। नेपाल में दूरदर्शन को छोड़ बाकी सभी भारतीय न्यूज चैनल पर बैन। BCCI ने CEO राहुल जौहरी का इस्तीफा मंजूर किया, बोर्ड की अहम जानकारी लीक करने का शक। केंद्रीय पर्यटन मंत्री विदेश में शूटिंग करने की परमिशन देने से किया इनकार। कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहती है बिग बॉस फेम अर्शी खान, कहा कि ऐसे काम नहीं मिलता, अब गलती नहीं दोहराऊंगी। पहली COVID-19 से इंश्योर्ड फिल्म हो सकती है तापसी पन्नू की, लुप लपेटा।